नमस्कार विशेष में आपका स्वागत है हिंद बच्चों थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लास दूसरे चैनल पे चली गई थी उसके लिए आप लोगों से सॉरी करना चाहता हूँ अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो तो मैं एक बार फिर से क्लास क्लास को फिर से रिवीजन मोड पे ला देता हूँ ठीक और देखते हैं शुरू से एक बार फिर से हम लोगों क्लास रिवाइज कर लेते हैं और अगर कोई बच्चा वेट कर रहा होगा उससे उसके लिए पहले से सॉरी बोल दे रहा हूँ मैं है ना आगे चलते हैं क्लास देख रिविज़न कर लेते हैं थोड़ा इस बार जल्दी रिविजन करेंगे पहला हम लोगों का इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड हुआ था यूएस के साथ यूएन के मैंने बाल में बताया था यूएन इस बार आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको बार एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें चीज़ें होंगी आप लोगों का फिर सेकेंड हम लोगों का था ईस्ट एशिया समिट के बारे में हम लोगों ने देखा था ठीक ईस्ट एशिया समिट इस्टेब्लिश हुआ था टू में अट्ठारह कंट्रीज थे इस, इस आशियान के बारे में यहाँ पर मैंने आप लोगों से जिक्र किया था आशियान के बाद मैंने आप लोगों से आर के बारे में यहाँ पर जिक्र किया था फिर आते हैं बिमस्टेक बिमस्टेक मैंने सार की जगह बताया था आजकल इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो रहा है बिमस्टेक में इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपोरेशन तो इसमें आँ... ये सात कंट्रीज थी जो भी बे ऑफ बंगाल से लगती हैं यहाँ पर एक जगह कन्फ्यूजन आपको थाईलैंड को लेके हो सकता है तो लेकिन थाईलैंड भी बे ऑफ बंगाल से टच करता है ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा बच्चों ठीक फिर हम लोग देखते हैं इंडिया यूएस 2020 त्ट्टी 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 समिट को लेके तो ये यूएस नाम ही यू एस के साथ हुआ था इसमें कोई ख़ास चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है फिर आई ए देखा था 1957 में ये बना हुआ था आई ई एक्चुअली में न्यूज़ में क्या क्यों था क्योंकि वहाँ ईरान से इशू चल रहा था तो ईरान के दो पावर प्लांट्स के इंस्पेक्शंस के लिए आई ए को जाना था नहीं जाना था इस पर रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स आए थे लेकिन वो चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आई से रिलेटेड टॉपिक्स है तो ये जानना चाहिए आप लोगों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में सेवन था इसका जो हेड हेडकोर्टर है वो वेना ऑस्ट्रिया में है और मैंने कई बार आप लोगों से बताया भी है बच्चों कि जितने भी एनर्जी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन मिलेंगे आप लोगों को वो सारे यहीं पे मिलेंगे आई ई ए पे मिलेंगे मतलब वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा ठीक फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों है ना ये इंटर गवर्नमेंटल है मोस्टली इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ होंगी अगर यू एन की है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात होगी लेकिन ये यू का नहीं है ना ये नाटो है ये बेसिकली उनतीस अभी एक तीस कंट्री ऐड हो गया है इसमें नॉर्थ मैसिडोनिया ठीक रिसेंट में मार्च में इसको देख लीजिएगा और नाटो से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा टेरस्की से रिलेटेड पॉइंट बताए थे टर्की से रिलेटेड आप लोग थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा बच्चों ठीक बाकी इसमें कुछ इन्ना याद करने की जरूरत नहीं ए सी एस सी मैंने कैसे याद करने का तरीका कल बताया था जो चाइना से रिलेटेड नेबरिंग कंट्रीज हैं बॉर्डरिंग इशूज़ होते रहते थे उनको एक बार मैप में देखते रहिए अपने पास मैप जरूर रखेगा बच्चों ठीक यहाँ पर मैप थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होती है हर स्लाइड में कहाँ तक मैप लगाया जाए ठीक इसलिए मैंने सोचा था कि आप लोग मैप अपने साथ रखेंगे ही तो उसको वहीं पर कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग तो नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ये इंडिया में हुआ है सोलर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ये याद रखिएगा इसको कहाँ किसने इंडिया में इसने फिक्की ने इसको इनिशिएट uh, किया था uh, uh, फिक्की एक प्रकार का uh, प्रेशर ग्रुप है कॉमर्स uh, से रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड इसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं थी ये याद रखिए इसमें वर्ल्ड बैंक भी इनिशिएट कर रहा है तीन लोग मिल इसको इनिशिएट किए थे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री थी वर्ल्ड बैंक था और आई एस ए था आई एस ए का मैंने हेडक्वार्टर पूछा था लोगों ने सही जानकारी दी थी हम लोग मुझे इसका हेडकॉर्टर गुरुग्राम में है ठीक डब्ल्यू एच ओ का सीयर देखा था मैंने साउथ ईस्ट एशिया रीजन देखा था ना इसका हेड क्वार्टर रीजनल हेड क्वार्टर कहाँ है न्यू दिल्ली में है ठीक इसमें कुल ग्यारह मेंबर हैं आठ वही हैं ठीक जो पाकिस्तान नहीं उस आठ में से ठीक बस पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ कोरिया देख लीजिएगा इंडोनेशिया भूटान बांग्लादेश म्यांमार नेपाल ने, म्यांमार आ जाएगा थाईलैंड आ जाएगा और तिमोर आ जाएगा ठीक एक दो तीन चार पाँच 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 हुए हैं ठीक पाकिस्तान नहीं है अफगानिस्तान नहीं है उन सब चीज ये आ गए हैं आठ प्लस तीन आठ सार्क ठीक आगे करते हैं हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट हमने किसके साथ किया बच्चों जापान के साथ किया, साथ किया है ठीक यू एन कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन ये प्रिंसिपल ग्लोबल गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन uh, की ठीक नाइनटीन फोर्टी सिक्स में बना था यहां इकोसॉक के थ्रू ये फंडेड किया जा रहा है या चलाया जा रहा है फंक्शन किए जा रहे हैं एक चीज मैंने आप लोगों को यू से रिलेटेड जो छह प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बारे में आप लोगों को बताया था ठीक जागृति बालक गुड इवनिंग सत्यम बालक आपको भी गुड इवनिंग है ना और सुप्रीत सिंह हिंदी में सर हिंदी में तो बोल रहा हूँ अब कौन सी भाषा बोल रहा हूँ मैं ठीक तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा ठीक कोई भी अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड यह है कि दोनों मटेरियल नहीं मिल सकता हिंदी इंग्लिश इतना इतनी करने में बहुत टाइम लग रहा है ठीक और क्लास रेगुलर करनी थी आप लोगों के इसलिए एक ही मीडियम में इस चीज़ को थोड़ा मतलब आपको जो मैटर वो इंग्लिश मीडियम में ही मिल जाएगा क्योंकि मोस्टली चीज़ें आप लोगों के साथ इंग्लिस में रहेंगी या बोलने वाला काम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर देंगे जहाँ जैसी कोई जरूरत होगी ठीक फिर हेडक्वार्टर या न्यूयॉर्क है है ना यू एस सारे पता है जितने भी छह प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं केवल आईसीजे वाला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला छोड़ के बाकी सब न्यूयॉर्क में है वो नीदरलैंड हैग में है ठीक इन सब चीज़ों को याद रखिएगा वैसे हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर अब नहीं पूछता है थोड़ा डीप में जाने लगा है आपके भी सब्जेक्ट uh, में यू पी एस सी फिर नेक्स्ट देखते हैं इंडिया टेक्नो इकोनॉमिक कॉपोरेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको स्टार्ट किया है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव डी ने ये किसके किसके बीच हुआ है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव सिंपल यही पूछेगा इन विच कंट्री हैज इंडिया हैज साइंड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड यूनिवर्सिटी इन विच कंट्री यू जापान फ्रांस और ब्रिटेन तो यू है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही मारना है ऐसे याद करना है आप लोगों को ठीक जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बताया था जिबूती बहुत इंपॉर्टेंट बताया था जिबूती जब भी याद आया करें आपको सीड याद आया करें मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद आया करे जिबूती में मैंने एक चीज भी बताई थी नहीं बताई थी मतलब कल बता देता हूँ आज याद आ गया है कि चाइना ने अपना पहला जो मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया है आउट ऑफ चाइना वो जिबूती में इस्टब्लिश किया है ना जिबूती की लोकेशन भी मैंने दिखाई दी थी कल आप लोगों को मैप में और ये जगती कोड ऑफ कंडक्ट 2009 में बना है इंडिया ने इस, इसका ऑब्जर्वर स्टेटस लिया है किसके साथ जापान नॉर्वे यूके और यूएसए के साथ अब्राहम एकॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों अब्राहम एकार्ड ना इस पर लगातार काफ़ी आर्टिकल आए हैं ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कल भी बताया था ये बेसिकली यू और बहराइन और किसके किसके बीच हुआ है इसराइल के बीच में किसके किसके यू ए बहरीन और इसराइल इससे पहले भी ये भी इसको ज्वाइन कर लिया है बाकी यहाँ भी मैंने बताया था टू स्टेट वाली थ्योरी फिलिस्तीन फ्ले, और इसराइल है ना दो नेशन कंट्रीज हैं उनको लेके ये अब्राहिम अकॉर्ड ये याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ है ये पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन ठीक नेक्स्ट है बेसिक बेका मैंने ये काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया था बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है ना बेका तो बेका भी हमने साइन किया है ट्वेंटी ट्वेंटी में बेसिक एक्सचेंज कॉपोरेशन एग्रीमेंट यह ट्वेंटी ट्वेंटी में किया है बाकी सब मैंने बताया था सबसे पहले जी एस ओम किया था हमने मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यह टू थाउजेंड टू में किया था फिर हमने लिमोवा किया था लिमोवा हमने टू थाउजेंड सिक्सटीन में किया था फिर लिमोवा के बाद क्या आता है ओमकासा दो हज़ार सत्रह में किया होगा कोम का सा 2017 ठीक तो ये चारों बेसिक एग्रीमेंट हैं जो हमने यूएस के साथ साइन किया है ये क्वेश्चन तो अभी दो तीन साल पहले ही आपके में आया था मतलब मुश्किल से दो साल हुआ होगा गया टू थाउजेंड एट्टीन वाले में आया है शायद ये वाले क्वेश्चन कि में ये कब साइन किया था इंडिया ने बेसिकली ईयर पूछा था तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अभी रिसेंट में साइन भी कर लिया है दो दिन पहले इंडिया ने है ना इससे रिलेटेड टू प्लस टू वाली भी चीजें मैंने बताई थी ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक बच्चों फिर इन द यू एस गटॉइट में कोई मतलब नहीं सब अच्छा ये सब लिखा भी है देख लीजिए जीशो मिया के बारे में ठीक जब साइन किया गया था ये टू थाउजेंड टू में फिर मैंने बताया था इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये याद रखना इंटरनेशनल कन्वेंशन रोड टेरफ में दो कन्वेंशन हुए थे एक जनेवा एक जनेवा का कन्वेंशन हुआ था बच्चों है ना और जनेवा का इंडिया ने साइन कर रखा है ये याद रखेगा और दूसरा हुआ था वियना कन्वेंशन जो वियना कन्वेंशन है वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है जो जनेवा कन्वेंशन है वो रोड ट्रैफिक से रिलेटेड है इसमें इंडिया ने साइन कर रखा है लेकिन इसमें इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है ये थोड़ा याद कर लीजिएगा इतना भी याद करिएगा तो इतना हेडिंग नहीं लेकिन एक बार दिमाग में रखे रहिएगा कि ऊपर जी है नीचे भी है नीचे भी हमेशा भी आएगा इस नीचे वाले साइन इंडिया नहीं करेगा इंडिया हमेशा ऊपर रहता है ऊपर वाले को साइन किया है ऊपर ट्रैफिक से रिलेटेड है नीचे सेफ्टी से रिलेटेड है याद हो जाएगा आराम से नहीं देखते हैं अरब लीग बहुत इंपॉर्टेंट है अरब लीग में वो कंट्रीज़ आते हैं जो अरेबियन भाषा बोलते हैं कुल मिला अब तक बाईस कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अरेबियन लैंग्वेज को बोलते हैं ठीक कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया सीका है ना कॉन्फ्रेंस ऑन इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया इज एन इंटरगोर्मेंटल फोरम इन्हेंसिंग कॉपरेशन टूअर्स द एक तो ये याद रखो कि इंटरगर्नमेंटल फोरम है है ना फॉर विच इनहेंसिंग कॉपरेशन टूअर्स प्रमोटिंग पीस सिक्योरिटी ये सब कोई मतलब नहीं इसका याद कर लेना का सीका सिका का सेक्रेट कहाँ है नूर सुल्तान में है नूर सुल्तान कजाकिस्तान में सीका का ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आप लोगों के लिए ठीक बच्चों कि कजाकिस्तान नूर सुल्तान में सेक्रेटेट है सीका का ठीक इसमें कुल अभी तक 27 मेंबर हुए हैं है ना इंग्लैंड अफगानिस्तान ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ये याद कर लीजिएगा सार्क कल हम लोग सार्क पर ही अपनी बात छोड़े थे है ना सार देख लीजिएगा इधर रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियस बात है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कई गवर्नमेंट होंगे कई देशों के जो गवर्नमेंट होंगे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे आपस में कोई ना कोई चीज को एग्रीमेंट कर रहे होंगे उसको ठीक इसका जो सार का है सार का हेड क्वार्टर कहाँ है ढाका में है नाइनटीन फाइव में इसको बनाया गया फिर भाई गलती हो रही है कल बोल रहा था इसको ढाका में 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था इसका जो सेक्रेटरीट है इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू नेपाल में है आठ कंट्रीज है आठ वो कंट्रीज है जिनके बॉर्डर इंडिया से कैसे ना कैसे लगती है चाहे वो मेरे टाइम के थ्रू हो चाहे लैंड बॉर्डर हो ठीक फिर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट देख लेते हैं आ, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट इज अ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ये याद रखिएगा ये ह्यूमन राइट right की बॉडी है ठीक और ये याद रखिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें तो गवर्नमेंट लोग भागीदारी नहीं की है ना इसमें तो कहीं ना कहीं एन लोग मिले होंगे या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं है ना अधिकतर एन लोग ही इस तरह के जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनको क्रिएट करते हैं ठीक बच्चों टू डेवलप नेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड थ्रू द ला फिर इंडिया मालड बाइलेटर रिलेशनशिप देख लेते हैं ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार आने की चांसेस हैं एक और ठीक इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा से एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में ठीक एयर बबल एग्रीमेंट अब एयर बबल एग्रीमेंट क्या होता है एयर मतलब बबल मतलब तो पता होगा ना ये चीज बबल और ये एयर का बबल होगा तो कुछ मतलब हवा में ऊपर की बात कर रहा होगा इस तरह का कुछ एरिया बन रहा होगा अब सोचो विश्व में वर्ल्ड का मैप अपने दिमाग मैपिमा सोचो वहाँ पर एयर बबल कैसे बन बंद होगा कैसे क्रिएट हो रहा होगा तो मान लो जैसे ये इंडिया है ये मालदीप है तो ऊपर एटमॉस्फेयर में कहीं कुछ इस तरह का बबल क्रिएट हो रहा होगा बच्चों ठीक इस तरह का बबल क्रिएट हो रहा है इसे ही हम लोग एयर बबल बोलेंगे और अगर ये किससे रिलेटेड ट्रैफिक से रिलेटेड रिले होगा जैसे एयर ट्रेवल एग्रीमेंट नहीं इसके अंदर का दो आए थे हाँ देखो एक ट्रांसपोर्ट बबल आया था तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था एक एयर ट्रेवल एग्रीमेंट्स हुए थे दो एग्रीमेंट्स हुए थे और ये टम तंप, एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इसका एम्ड क्या था तो इसका एंड था री स्टार्टिंग कॉमर्शियल पैसेज ये कई देशों ने आपस में एग्रीमेंट किया था जब कोविड नाइन्टीन था कोविड नाइन्टीन आपको पता था जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थे वो सब बंद हो गए थे जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थे वो बच्चों बंद हो गए थे उनको री स्टार्ट करने के लिए पहले एक ऐसा कॉन्सर्ट बनाया कि कहीं दो देशों के बीच ऐसा स्टार्ट किया जाए एयर बबल टाइप का एयर ट्रेवल बबल टाइप का वो साउथ कोरिया जापान ने भी किया था इंडिया मालदीव ने भी किया था तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक वेन द रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट आर सस्पेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन पैंडमिक हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है ठीक हाई हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया मालदीव के बाद के द्वारा आर प्रोजेक्ट विद लेवल ऑफ कम्युनिटी इंपैक्ट एंड पार्टिसिपेशन इन एरिया ऑफ लाइवलीहुड इन एरिया ऑफ लाइवलीहुड इनकम जनरेशन हेल्थ एजुकेशन ये सब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक बस ये याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक क्रिएट हो जाएगा ठीक इंडिया हैज़ लॉन्च मिशन सागर क्या है इंडिया हैज़ लॉन्च अ मिशन सागर टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू इंडियन ओशियन रीजन ये केवल मालदीव को नहीं है ये याद रखिएगा ये पूरे इंडियन ओशन रीजन के लिए जो मिशन सागर है उसको स्टार्ट किया गया था बच्चों तो मिशन सागर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इंडिया ने किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया था तो इंडियन ओशन रीजन के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोवाइड करना था कोविड नाइन्टीन एक्चुअली में जो लाना ले जाना या दवाई ववाई देनी ले जानी थी वो सब स्टार्ट किए गए थे मिशन सागर के थ्रू इतनी बात समझ में आई आप लोगों को ठीक है अब, अब हम हम लोग आ जाते हैं सिक्योरिटी वाला अपना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में आते ही आते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं ठीक बच्चों आते हैं देखते हैं एक्स इंद्र एक्सरसाइज इंद्र इंद्र मैंने याद करने का तरीका बताया था ना इंडिया एंड ये आर ए से रशिया हो जाएगा ठीक तो इंडिया और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसे कहते हैं इंडिया एंड रशिया ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है मतलब यहाँ पर तीनों सेनाएं भाग लेती हैं ठीक यानी कि केवल नेवी या आर्मी या केवल एयरफोर्स इन केवल नहीं है ये याद रखिएगा ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ठीक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या विकास बटालियन ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार आप लोगों के लिए तो ये विकास बटालियन क्यों होता है क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि चाइना के साथ हम लोगों का एलएसी पे झगड़ा था बच्चों तो उसके लिए ये फोर्स काफ़ी फ्रंट में आए थे और न्यूज़ में भी काफ़ी थे ये फोर्स के बारे में विकास बटालियन के बारे में ये बना कब था ये 1962 में बना था इंडो साइनो इ, साइनो इंडिया वार ये एक चीज़ याद रखिएगा इंडिया चाइना कभी मत मत करिएगा ना इंडो चाइना वार ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त भी इस चीज़ को याद रखिएगा इंडो चाइना वार ना ये इंडिया चाइना चाइना कंट्रीज़ का अगर जो भी कनेक्शन होगा तो वो बेसिकली हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ को कहते हैं ठीक उनको इंडिया इंडो चा, इंड, चाइनो इंडिया या इंडो चाइनो जो कंट्रीज़ बोलेंगे तो वो साउथ ईस्ट एशिया वाले होंगे इतना याद रखिएगा और जो इंडिया और चाइना के बीच जो भी रिलेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सीनो इंडिया ये बात याद रखिएगा बच्चा तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ठीक आगे हम लोग हाँ ये ये कब बना था बच्चों तो ये 1962 में बना था है ना फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी वेर इज हेडेड by द इंस्पेक्टर जनरल है ना who इज़ एन आर्मी ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ मेजर जनरल मेजर जनरल रैंक के जो आ, अधिकारी होंगे वो इसके इसको हेड करेंगे ठीक ठीक और ये सीधे किसके अंतर्गत आते हैं कैबिनेट सेक्रेट्रिएट के अंतर्गत आते हैं ये याद रखिएगा और आर्मी की जो हरारकी होती है उसको भी याद रखिएगा ना वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो सबसे टॉप पे या सबसे बॉटम से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी वो लेफ्टिनेंट से होगी लेफ्टिनेंट के बाद आप लोग कैप्टन बनेंगे फिर मेजर बनेंगे फिर लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर फिर मेजर जनरल फिर लेफ्टिनेंट जनरल फिर नहीं पहले लेफ्टिनेंट जनरल फिर नहीं पहले मेजर जनरल फिर लेफ्टिनेंट जनरल फिर आप लोग जनरल की पोस्ट पे जाएंगे ठीक तो ये हरार की भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा बच्चों ठीक फिर आते हैं द द यूनिट्स दैट आल्सो नोन बटालियन एस एफ एफ यूनिट और नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्मी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक पॉइंट बना के आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ आर्मी कैसे आर्मी के पार्ट होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटेट इसको सीधे देख देख रहा है बच्चों कैबिनेट सेक्रेट्रेट इसे सीधे देख रहा है तो इसका मतलब ये किसका पार्ट नहीं है आर्मी का पार्ट नहीं है बट दे आर फंक्शन अंडर द ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ द आर्मी द यूनिट्स हैव देयर ओन रैंक स्ट्रक्चर इनका अपना रैंक स्ट्रक्चर होता है ना मैंने जैसे बताया कि जो मेजर जनरल वाली पोस्ट है अपनी आर्मी में जो अपनी आर्मी में मेजर जनरल वाली पोस्ट है वो वहाँ पर क्या कहलाएगी इंस्पेक्टर जनरल क्या कहलाती है वो इंस्पेक्टर जनरल तो इनकी खुद की ओन रैंक स्ट्रक्चर होता है विच हैव इक्विवेलेंट स्टेटस विद द आर्मी रैंक ना जो आर्मी में मेजर जनरल होगा जो आर्मी में, में मेजर जनरल होगा वो यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल कहलाएगा ठीक आर्मी रैंक ऑपरेशन इनके बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुए हमको देख लेते हैं तो ऑपरेशन ईगल ये 1971 के वार में हुआ था विद पाकिस्तान ऑपरेशन ब्लू स्टार ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक, एक क्लीनिंग अमृतसर गोल्डन टेम्पल 1984 में ये मैचिंग के लिए भी आपसे एग्जाम में आ सकता है बच्चों ना ये मैचिंग के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था तो ऑपरेशन ब्लू स्टार नाइनटीन में हुआ था किस चीज़ के लिए हुआ था क्लीनिंग द गोल्डन टेम्पल ना तो गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड जो आपको वो उस समय भिंडरा वाला केस पता होगा कि भिंडरा वाला केस जब हुआ था उन्होंने पूरे गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था तो उस गोल्डन टेम्पल को छुड़ाने के लिए हमने पहली बार मतलब पूरे अपनी इंडिया के जो पचहत्तर साल का इतिहास है आफ्टर इंडिपेंडेंट uh, उसमें पहली बार हमने uh, किसी भी सिविलियन परपज़ के लिए हमने आर्मी का यूज़ किया था तो वो गोल्डन टेम्पल है उसको और आर्मी की ये पार्ट बने थे विकास uh, बटालियन जिसको एस भी बोलते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ठीक तो ये दो ऑपरेशन एक ऑपरेशन ईगल ईगल 1971 किस लिए बांग्लादेश को रेस्क्यू करने के लिए मुल्क बचाने के लिए देन ऑपरेशन गोल्डन टेंपल के लिए हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था ठीक फिर ऑपरेशन मेघदूत दूत सब याद कर लीजिए बच्चों वरना मैं क्या बताऊँ तो लिख देता हूँ क्या एक बार पीपीटी ठीक है ठीक है न, आ, देख लेते हैं ऑपरेशन ईगल 1971 ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 ऑपरेशन मेघदूत 1984 नाइनटीन फोर में ही था ये ग्ले, सियाचिंग ग्लेशियर था सियाचिंग ग्लेशियर है सियाचिंग ग्लेशियर में पाकिस्तान ने जब आक्रमण कर दिया था तो हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और आज भी जो सियाचिंग ग्लेशियर है वो हम लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है ठीक ये जो इंडिया है यहाँ पर सियाचिंग ग्लेशियर पड़ता है कराकोरम ये कराकोरम आप लोगों ने जो कर पढ़ा होगा कराकोरम वाली पहाड़ियों पे कराकोरम क्या ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं बच्चों शुभ संगीत चैनल क्या नाम है आपके चैनल का स्टार्ट हो चुका है बालक ठीक इतना परेशान क्यों हो रही हो ठीक है तो कराकोरम रेंज में ये आपका पड़ेगा सियाशिंग ग्लेशियर और ये अभी ये विश्व का सोच लो सबसे बड़ा ग्लेशियर है अगर हम आर्कटिक और अंटार्कटिक्स को छोड़ दें अगर आर्कटिक और अंटार्कटिक को बच्चों हम लोग छोड़ दें तो ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है इसको याद रखिएगा ये लगभग सेवेंटी एट या सेवेंटी नाइन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ना इसको लोग एन जे इसके जो हाईएस्ट चोटी इसको एन जे नाइन एट टू थ्री बोलते हैं शायद टू थ्री या फोर एट फोर थ्री बोलते हैं नाइन एट फोर थ्री ठीक इसकी हाइएस्ट चोटी को हम लोग बोलते हैं तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा ठीक फिर हम नेक्स्ट आया था ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया था बच्चों पाकिस्तान ये कारगिल में स्टार्ट किया गया था 1999 में स्टार्ट किया गया था ठीक फिर मैनी कंट्रीज इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन द कंट्री ये भी चलाए कई इंसर्जेंसी उसको चलाया जाता है गलत आंसर दिया जागृति वाला का आपने ठीक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अभी तक कितने ऑपरेशन ईगल ब्लू स्टार ऑपरेशन मेघ दूत ऑपरेशन विजय है ना इतने सारे ऑपरेशन देखे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में नोवी चौक देख लेते हैं नोवी चौक मतलब होता है न्यू कमर ये रशियन वर्ड है न्यू कमर है ना बेसिकली ये एक प्रकार का अप्लाई टू ग्रुप ऑफ एडवांस नर्व एजेंट ये नर्व एजेंट डेवलप किए जाते हैं एडवांस लेवल के ठीक किसके द्वारा बाई द यू एस एस आर उन्नीस के टाइम में डेवलप किए गए थे है ना इस प्रोग्राम को हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फोलियंट ये याद रखिएगा वैसे इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए ये वाला टॉपिक ठीक इसको बोलते हैं फोलियंट कैन बी डिलीवर्ड एज अ लिक्विड पाउडर और एसहोल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं बस ये याद रखिएगा नोवी चौक नोवी चौक याद आएगा तो ये रशियन का प्रोग्राम है सत्तर अस्सी के दशक में स्टार्ट किया गया था इसको फोलिक फोलिएंट uh, भी बोलते हैं ऑपरेशन फोलिएंट भी बोलते हैं इसका जो कोड नेम था इसको ऑपरेशन uh, फोलियट भी बोलते हैं बस इतना याद रखिएगा फिर नेक्स्ट है जो केमिकल वेपन्स के प्रोहिबिशन से रिलेटेड एक कन्वेंशन स्टार्ट किया गया था 1997 में है ना इसको ऑस्ट्रेलिया कन्वेंशन भी बोलते हैं ठीक इसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन केमिकल वीपन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन कुल इसमें वन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया ठीक इसका हेडकोार्टर कहाँ है नीदरलैंड में है ठीक ये कुछ बातें याद रखिएगा आप लोग ठीक अब आ जाते हैं हम लोग आइस असम राइफल पे ठीक असम राइफल क्या है ये वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है सीएपीएफ है एक प्रकार का सीएपीएफ है छह प्रकार के होते हैं आज वो भी हम लोग कवर करेंगे इसको इनके ड्रेस व्रस देख लीजिए ऐसे ही होती है फॉर्म कब किया गया था ये 1835 में फॉर्म किया गया था ये भारत का सबसे पुराना ये भारत का सबसे पुराना ये भारत का सबसे पुराना सी ए पी एफ़ की फ़ोर्स है 1835 में इसको फॉर्म किया गया था ठीक फोर्स ऑपरेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ऑपरेट किया जाता है करता है है ना और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है बस यहीं पर इसके साथ दुविधा होती रहती है इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो होम अफेयर के पास है बच्चों इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होम अफेयर के पास है और ऑपरेशनल कंट्रोल इसका इंडियन आर्मी के बेचारे इन दोनों के बीच ये पिसते रहते हैं ना ये चीज़ें याद रखिएगा जितने सी ए पी एफ फोर्सेज हैं वो सब होम्स अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के आएंगे लेकिन यही एक असम राइफ़ल है जो दोनों जगह है उसका ऑपरेशन जो वो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर के अंतर्गत आता है और जो इसका कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वाला चीज़ होती है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है ठीक अब इंडिया का देख लेते हैं जितने अपने सी ए पी एफ हैं सारे फोर्सेस को एक बार देख लेते हैं ठीक इधर पाकिस्तान इधर चाइना इधर बांग्लादेश थोड़ा और बना देते हैं इधर नेपाल इधर भूटान ठीक है अब कुछ इंडिया जैसा दिख गया ये <laughs> ठीक है आ, ये वाला जो रीज़न है इसको हमारा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखेगा इसको भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखेगा ये बांग्लादेश है मतलब इंडिया का मैप तो समझ पा रहे हो ना आप लोग और यहाँ ये जो चाइना वाला रीजन है इसको आई देखेगा ठीक और यहाँ पर असम राइफल रहेगा ठीक इधर असम राइफल रहेगा इधर जो नेपाल वाली बाउंड्री है और यहाँ पर है भूटान वाली यहाँ पर एस एस बी रहेगी सहस्त्र सीमा बल एक, एक दो तीन चार पाँच और एक हम लोगों की जो है इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देखी जाती है उसका नाम है बच्चों सी आई एस एफ सी आई एस एफ ठीक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ठीक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पेलिंग गलत हो गई है उसको सही कर लीजिए हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्सट्रेशन व्हीकल एच एस टी डी वी ठीक तो ये बेसिकली हाइपरसोनिक स्पीड मतलब स्पीड को लेके मैं कई बार बता चुका हूँ आज फिर देख लेते हैं स्पीड अगर जो पहले तो माइक नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं माइक नंबर होता है जो किसी वस्तु की स्पीड होगी ना स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट देन स्पीड ऑफ ए आर ठीक है एक लाइट की होगी स्पीड और साउंड स्पीड ऑफ साउंड की जो स्पीड होगी जो 332 किलोमीटर पर आवर होती है अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये मैक नंबर कहलाता लेता है स्पीड ऑफ़ दैट ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ़ साउंड ठीक अगर इसका रेशियो एक से कम रहा इसका रेशियो एक से कम रहा तो ये सब सोनिक हो जाएगा सब सोनिक हो जाएगा अगर इसका रेशियो एक के बराबर रहा तो ये सोनिक हो जाएगा और अगर ये ग्रेटर देन वन रहा है तो सुपर सोनिक हो जाएगा सुपर सोनिक हो जाएगा हाँ मैं छह से भी ज्यादा है इसकी स्पीड हाइपर हाइपरसोनिक का मतलब ही हुआ यही हुआ बच्चों कि अगर स्पीड एक से ज्यादा मतलब पांच से ग्रेटर हुआ पाँच से ग्रेटर हुआ यानी एक से पांच के बीच होगा तो ये सुपर सोनिक कहलाएगा एक से पाँच तक का हुआ तो ये सुपर सोनिक कहलाएगा पाँच से ज़्यादा हुआ तो हाइपर सोनिक हो जाएगा पाँच से ज़्यादा हुआ तो हाइपर सोनिक हो जाएगा इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है तो हाइपर सोनिक है ना ये और टेस्ट डिमॉन्सट्रेशन वहकिल है ये याद रखिएगा है ना एक प्रकार का ये क्या है बच्चों वहीकिल है ठीक है इज एन अन एक्चुअली में ये अनमेंड स्क्रैमजेट जेट है ना हाँ पहले रिद्धि बालक सही बता रही है कि पहले ये रैम जेट हुआ करता था अब ये स्क्रैम जेट हो गया है रैम जेट और स्क्रैम जेट में डिफरेंस क्या है केवल लोजल का डिफरेंस होता है बच्चों ठीक अब ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है ऊपर से ही देख लेते हैं इस बस ये याद रखिएगा ये एयर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं एयर के सेक्शन में है ना मैंने कभी बताया होगा ये नोज़ल है मान लीजिए ठीक नोजल ये बेसिकली बर्नोली के थ्योरी पे काम करता है ठीक यहाँ का एरिया देखिए कम होगा एरिया कम होगा स्पीड ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी तो मान लीजिए कोई एयर आएगा एयर आएगा तो शक करेगा सक करेगा तो कहीं ना कहीं उसका एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ब्रश्ट करेगा तो इस वाले बर्नोली के सिद्धांत पर ही पूरा स्क्रैम जट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इतना आप लोगों को टेक्निकल जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ठीक एयरक्राफ्ट दैट कैन ट्रेवल एंड हाइपरसोनिक स्पीड यूजर्स हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्कैम जो टेक्नोलॉजी ट्रेवल इट डिज़ार्ट फ्लाइट बार मतलब बात समझ गए हो ना ये जो एक प्रकार का वहीकिल है जो हाइपरसोनिक है, है तो ये सोचो इतने बड़े बड़े डिमॉन्सट्रेटेड uh, डिमॉन्सट्रेशन uh, हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली में क्यों तो कर रहे हैं जब से हम लोगों ने पंद्रह जून का वो गलवान पंद्रह अगस्त वाला वो गलवान चौदह अगस्त का गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हम लोग कुछ ज़्यादा ही सजग हो गए नहीं फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेवन हैवी ड्रॉप सिस्टम पी सेवन हैवी ड्रॉप सिस्टम देख लेते हैं हम लोग इंडिया अब फोर्थ होगा ना हाँ हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब ये वेचल डेवलपमेंट इंडिया फोर्थ हो गया है ठीक है सही है पी सेवन हैवी ड्रॉप सिस्टम देख लेते हैं इस कैपेबल ऑफ द पैरा ड्रॉप ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स ये याद रखिएगा कि ये जो इसकी जो क्षमता होती है वो पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर जैसी होती है टू सेवन टन वेट ये सेवन टन वेट तक के क्लास वाले जैसे आई एल सिक्स एयरक्राफ्ट हैं आई एल सेवेंटी सिक्स एयरक्राफ्ट है इनको भी ये ड्रॉप करने की क्षमता रखते हैं पी सेवन है ड्रॉप सिस्टम जो होंगे हैवी ड्रॉप सिस्टम ये लगभग सात टन से अधिक के जो आई एल सेवेंटी एयरक्राफ्ट होंगे आई एल सेवेंटी एयरक्राफ्ट होंगे उनको भी ये ड्रॉप करने की इनके पास क्षमता है बच्चों ठीक फिर देखते हैं प्लेटफॉर्म एंड द स्पेश पैराशूट सिस्टम पैराशूट सिस्टम इज अ मल्टी स्टेज सिस्टम कंपनी फाइव मेन कैन इसमें पांच मेन कैन होंगे फाइव ब्रेक कट्स होंगे टू ऑगरी कट्स होंगे वन एक्सट्रेटर पैराशूट होगा और प्ले, uh, जो प्लेटफॉर्म इज अ मेटैलिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एलमोनियम और स्टील एलॉय ठीक ये सब याद करने की जरूरत नहीं ये याद रख लीजिएगा जो पी सेवन हैवी ड्रॉप सिस्टम है पी सेवन हैवी ड्रॉप सिस्टम है बच्चों ये हंड्रेड परसेंट इंडिजीनियस रिसोर्स है ये हंड्रेड परसेंट इंडिजीनियस रिसोर्स है हंड्रेड परसेंट इंडिजीनियस रिसोर्स है सर ये पी पी नहीं है ये पी डी एफ है नहीं ये रफ वाला वो सिस्टम ही नहीं है फिर जो डिलीट करने वाला है वो वाला नहीं है अब हम लोग देखते हैं ये पी सेवन हेवी ड्रॉप सिस्टम हम लोगों ने देख लिया नेक्स्ट आते हैं पी सेवेंटीन ए क्लास फ्रिगेट पी सेवेंटी सेवनटीन क्लास फ्रिगेट क्या होता है है ना तो फ्रिगेट क्या होता है बच्चों वो तो छोटे छोटे जो जहाज होते हैं बेसिकली पेट्रोलिंग के लिए होता है सबसे बड़ा हो, होता है हम लोगों का एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर है ना फिर आएगा हम लोगों का डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर फिर कॉर्बेट्स फिर फ्रिगेट कॉर्बेट्स फिर फ्रिगेट तो फ्रिगेट सबसे छोटे होते हैं जो जहाजी बेड़ा होते हैं आप लोग देखे होंगे जब जब जहाज जी बेड़ा निकलते हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा बच्चों ठीक दोस्तों सबसे बड़े बड़े दिखाई देते होंगे जो सबसे बड़े बड़े दिखाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जो सबसे बड़े बड़े दिखाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर क्या बोलते हैं उसको एयरक्राफ्ट कैरियर जो उससे छोटे होंगे जो उनसे छोटे होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग जो उनसे छोटे होंगे उनको क्या बोलेंगे डिस्ट्रॉयर जो उनसे छोटे होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग उनसे छोटे होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग और जो सबसे छोटे होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रिगेट्स जो सबसे छोटे होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग फ्रिगेट्स ठीक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तो ये फ्रिगेट्स हैं पी सेवेंटीन ए क्लास के बच्चों ये सेवनटीन क्लास के समरीज भी हैं सेवनटीन ए क्लास की फ्रिगेट्स भी है तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा उसको कंफ्यूज मत होइएगा वहां पर ठीक ये बात समझ में आई पी सेवन हैवी ड्रॉप सिस्टम ये हंड्रेड परसेंट इंडिजीजस है नाम ही से पता चल रहा है कि ड्रॉप सिस्टम है तो वहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं लेकिन यहाँ पी सेवनटीन ए वाली जो चीज़ है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा पी ए ये बेसिकली क्या है ये फ्रीगेट क्लास की सबमरी है सबमरीन कह रहा हो ये सिप्स हैं ठीक फिर देखते हैं बिल्ट यूजिंग इंडिजीनसली डेवलप्ड है तो ये याद रखिएगा इंडिजिनस वर्ड पर फोकस करिएगा स्टील एंड एंडेड विदन एंड सेंसर अलॉन्ग इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम कंस्ट्रक्शन ऑफ पी सेवेंटीन सिप डिफर इन इन द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द वार सिप्स बिल्डिंग ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन द ब्लॉग एंड कोई मतलब नहीं है जो चीज बता दिया उतना ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ठीक नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो देख लेते हैं ठीक आई विराट आई विराट हाँ ये एक प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर है देखो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये देखो इतना बड़ा इतना विशाल है ये एयरक्राफ्ट कैरियर तो देखो कितने सारे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हैं ये देखो उड़ रहा है है ना ये देखो उड़ने वाला है उड़ गया है मतलब मतलब टेकऑफ कर चुका है ठीक तो इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को इतनी बात समझ में आई ठीक तो एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का यह कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर था आई विराट जिसको हम लोगों ने डी कमीशन कर दिया है जिसको हम लोगों ने डी कमीशन कर दिया है ठीक आई एन एस विराट द डीमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर ये याद रखिएगा बच्चों ये कर दिया गया है। और द इंडियन नेवी इज़ अ सेंचुरियर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर इन सर्विस फॉर द दर्टी ईयर्स बिफोर डी ये डी होने से पहले लगभग तीस साल इंडिया की सेवा कर चुका है ये दो हजार सत्रह में डिकमीशन हुआ था सर्व इन द ब्रिटिश नेवी ब्रिटिश नेवी से हमने इसको लिया था एच एम एस फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर फ्रॉम इतने इतने, इतने कोई मतलब नहीं ये गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कराया है लॉन्गेस्ट सर्विंग वर्शिप के रूप में लॉन्गेस्ट सर्विंग वर्शिप के रूप में इसने गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड कराया है ठीक ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये देखिएगा तो आई विराट और ये सबसे आ, क्या बताया एयरक्राफ्ट सबसे बड़े होते हैं फिर डिस्ट्रॉयर आएगा फिर कॉरबेट्स आएंगे फिर फ्रिगेट्स आएंगे ठीक सर जो इंडक्ट किए गए हैं ये सब ऑफलाइन ऑफ्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं क्या डिफरेंस है वरद वारती सार्थक का वर... कावर्ती सर इंडियन कोस्ट गार्ड का कुछ समझ नहीं आता है इंडियन कोस्ट गार्ड कुछ नहीं पहले तो ये जितने हैं वो इसी क्लास के आ, सिप्स हैं ठीक इसी क्लास के सिप्स हैं तो क्लास डिवाइड कर दिया गया है ना कि मान लीजिए कोई कंपनी है जैसे जी है वो किसी चीज़ को बना रही होगी लार्सन टूरबो तो जो जो प्रोजेक्ट होंगे वह अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पे बना दिए जाते हैं जैसे मोस्टली जो आ, वहाँ के यू के शिफ्ट होते हैं वहाँ के राष्ट्रपति जैसे वारशिप जितने भी वहाँ के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर है इंडिया में ये सब किसी पर्सन को इतने महत्व तो देते नहीं है तो हम लोग मोस्टली जितने भी इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजनस होते हैं उनके नाम पर देखना आई एन एस कोलकाता आई एन एस विशाखापट्टनम इस तरह नाम देते हैं या तो पहाड़ के नाम दे देते हैं या तो किसी आइलैंड का नाम दे देते हैं किसी नदी का नाम दे देते हैं हम लोग तो उसी उसी का है और कोस्ट गार्ड जो है कोस्ट गार्ड को इंडिया का फोर्थ आर्मी भी बोला जाता है हम लोग बोलते हैं उसको और ये कोस्ट गार्ड एक्ट नाइनटीन के थ्रू आया था बच्चों इसको इस एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था कोस्ट गार्ड को और ये बेसिकली जो दो सौ नोटिकल माइल्स वाला रीजन है ये जेड वाला उससे पहले ही ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं उसके बाद पूरा वो नेवी के अंतर्गत आ जाता है तो अभी समझ में आ गया हो तो ठीक है फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर कुछ और डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा ठीक ठीक है तो इतनी बात आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी ठीक अब तो आगे बढ़ते हैं अभ्यास एयर व्हीकल ये देखिए हमारा अभ्यास है डेवलप्ड बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एयरोपमेंट एडीई ये याद रखिएगा पहले तो यही याद रखिए आप लोग की एडीई किसके अंतर्गत आता है ए एडीई किसके अंतर्गत आता है तो ये डी आर डी ओ के अंतर्गत आता है बच्चों ये याद रखियेगा एडीई मतलब एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में ठीक इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप में आया होगा गया या तो एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था ठीक एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट ये किस डिपार्टमेंट में आता है डीआरडीओ आर डी ओ इसरो एच ए एल इसी भेल इसी तरह के ऑप्शन दिए हुए थे वहाँ पर तो इसका आंसर क्या होगा बाद डी आर डी ओ डेवलपमेंट ठीक तो अभ्यास एयर व्हीकल एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एरोनोटिक्स डेवलपमेंट द्वारा बनाया गया था ये एक प्रकार का ड्रोन है ठीक ये कुछ दिख रहा है ड्रोन टाइप का ज़्यादा ही पास से इसको वो ले लिया गया है ना ये अनमेन एरियल व्हीकल इसे यू ए बोलते हैं ना अनमेड एरियल व्हीकल दैट विल बी यूज एज द टारगेट फॉर द वेरियस मिसाइल सिस्टम है ना So, कई मि, मिसाइल सिस्टम के लिए टारगेट करने के लिए इसको डेवलप किया गया था अभ्यास आ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ये याद रखिएगा ठीक अभ्यास एयर व्हीकल है ना डेवलप्ड डेवलप्ड बाय द एरोनोटिक डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट एडीई एरोनॉटिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ये एयरोनाटिक डेवलपमेंट इस्टमेंट डी आर डी ओ के अंतर्गत ये आज हुआ क्वेश्चन है इज द ड्रोन यू ए विल बी यूज एज द टारगेट है ना टारगेट फॉर द वेरियस मिसाइल सिस्टम पावर स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन ये एक गैस स्मॉल टर्बाइन इंजन से है इंजन कई प्रकार के होते हैं ये गैस टर्बाइन इंजन से चलता है इतने आप लोगों को कोई टेक्निकल एग्जाम देने जा नहीं रहे हैं सी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना से मत याद करिएगा कि नेविगेशन बाय द माइक्रो माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल है ना नेविगेशन सिस्टम फॉर द तो ये सब इतना डीप में जाने की जरूरत तो नहीं है बस ये याद रखिएगा डेवलप कौन कर रहा है तो ए डी ई ए डी एरोनोटिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ये डी आर डी ओ का है अभ्यास एयर तो ये है क्या ये प्रकार का यू ए वी है फॉर द टारगेट फॉर द वेरियस मिसाइल सिस्टम के लिए इसको यूज किया जाएगा ठीक बस इससे ज्यादा आप लोगों को आने जाने की जरूरत नहीं है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल देख लेते हैं हम लोग है ना ये देखो पृथ्वी शॉर्ट रेंज है पहले तो ये याद रखना ये शॉर्ट रेंज है ठीक है ना शॉर्ट रेंज उसमें ही दे रखा है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल कई बार डिफरेंस बता दी हूँ लेकिन ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता देता हूँ कि कई बच्चे इसमें नए भी होंगे ठीक तो बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं वो मिसाइल सिस्टम होते हैं जिनको अगर पावर के थ्रू हम लोग छोड़ते हैं पावर के थ्रू छोड़ते हैं और ये एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाते हैं यह एटमोसफियर के बाहर चले जाते हैं और उसके बाद ये ड्यू टू ग्रेविटी गिरते हैं है ना जाते हैं पावर के थ्रू हैं इंजन को इसके पावर दिया जाता है ठीक पावर दे तो ऊपर गया लेकिन ये आएगा तो किसके तहत आएगा ग्रेविटी के थ्रू आएगा और ये एटमोसफियर से बाहर जाता है ये चीज दो तीन चीज़ें हैं और ये पैराबोलिक पाथ कवर करता है पैराबोलिक पाथ कवर करता है तो ये दो तीन चीज़ें हैं इनको याद रखिएगा पावर के थ्रू ऊपर भेजा जाता है ड्यू टू तो ग्रेविटी नीचे आएगा और पैराबोलिक पाथ क्रिएट करेगा ठीक और जो क्रूज मिसाइल होता है जो क्रूज मिसाइल होता है बच्चों क्रूज मिसाइल हमेशा पैरेलल पाथ बनता है पैरेलल पाथ बनता है विद इन एटमोसफेयर होता है ये आउटर स्मोसफेयर लिख देते हैं ठीक ये विद इन एटमोसफेयर विद इन एटमोसफेयर रहेगा विद इन एटमोस्फेयर रहेगा बच्चों और ये पैरल पाथ क्रिएट करेगा क्रिएट करेगा बस पर्लेल, पर्लेल। हाँ, ये पूरा आउट पावर ही इसको जनरेट होगा ये ग्रेविटी के थ्रू नहीं गिरेगा तो ये याद रखिएगा और इसे भूलो और दागो और भूलो मिसाइल भी बोलते हैं ना फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी बोलते हैं फॉरगेट मिसाइल ये भी याद रखिएगा शॉर्ट एंड बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ लेते हैं पहली बात तो ये इंडिजिनस है दूसरी बात ये सरफेस टू एयर स्ट्रेटिक मिसाइल है ठीक इससे रिलेटेड कुछ चीज़ और बता देता हूँ वो देख लीजिएगा आप लोग उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग जो ये पृथ्वी मिसाइल बनाई गई थी बच्चों ये हम लोगों के एक प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना 1983 में स्टार्ट हुआ था ये 2000 दो में जाके ये बंद हो गया था ठीक 2002 या 2003 जा, में जाके बंद हो गया था इसको याद करने के लिए इसके पांच लगभग इसमें मिसाइल बनाए गए थे उसको याद करने का तरीका है पटना है ना इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों पटना ठीक पी से पृथ्वी ए से अग्नि से त्रिशूल एन से नाग ऐसे अग्नि हो चुका था आकाश ऐसे आकाश तो ये पांच मिसाइल उस समय स्टार्ट की गई थी 1983 में और इसमें ये पृथ्वी है पृथ्वी क्या है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है कैसी है सरफेस टू सरफेस है ये सरफेस टू सरफेस है अग्नि भी सरफेस टू सरफेस है त्रिशूल कैसे फेंकते तो हो इधर से उधर यानी सरफेस टू एयर हो गया ये है ये सरफेस टू एयर है ठीक नाग ये एंटी टैंक मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल है ये एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश एयर टू एयर है बस ये याद रखिएगा तो यहाँ से इतने डाटा हम लोगों के लिए सफिशियंट है बच्चों ठीक यहां से इतने डाटा हम लोगों के लिए सफिशियंट है जी देख लेते हैं जी मैक्स देख लीजिए ये बाई एग्रीमेंट है जीमैक्स होता है जी से होता है जापान आई से होता है इंडिया एम से होता है मल्टी ई से होता है एक्सरसाइज तो जे से जापान याद रखिएगा ना जे से जापान याद रखिएगा जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक इंडिया जापान मिलिट्री सॉरी मल्टी लेटर मैंने कुछ बोला था उसके लिए सॉरी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक ए ट्वेंटी बाईलेटरल मेरे टाइम एक्सरसाइज है ये बाईलेटरल है सॉरी एम से यहाँ मेरी टाइम होगा एम से यहाँ मेरी टाइम होगा जापान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज बाईलेटरल मेरी टाइम एक्सरसाइज बिटवी इंडिया एंड जापान इसमें किसने किसने भाग लिया था तो आई एन एस चेन्नई ने आई एन एस दीपक ने और, और कोई नहीं था एक और होना चाहिए चलो ठीक है देख लेते हैं तो आईन एस चेन्नई इज अंडिजीनियस डिजाइन एंड बिल्ड कोलकाता क्लास आई एन एस चेन्नई है इज एन इंडिजीनियस डिजाइन एंड बिल्ड कोलकाता क्लास थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ठीक <coughs> इंडिजीनियस डिजाइन एंड बिल्ड कोलकाता क्लास थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ये डिस्ट्रॉयर है बच्चों थी? ये ये याद रखिए तो जितने भी डिस्ट्रॉयर हैं वो हमारे यहाँ शहर के नाम पर रखे गए हैं ठीक जो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट पता है कौन सा बच्चों किस देश का है सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लिमिट है वो अमेरिका का ठीक वह लगभग नब्बे हजार टन का एयरक्राफ्ट कैरियर का कर क्षमता है उसकी है ना जब भारत का विराट विराट तीस पैंतीस यही तक के सीमित है ठीक समझ में आई अब देखते हैं डिस्ट्रॉयर है आई एन एस तारकस ये देखिए आई एन एस तारकस वो आई एन एस डिस्ट्रॉयर था ऑफ द थ्री टेक क्लास स्टील फ्रिगेट है एक्वायर्ड रशिया तारकस ने इस एक कॉल किया है रसिया से फिर आई एन एस दीपक है विल प्रोवाइड द रीफुल एंड रिप्लेसमेंट फॉर द एक्सपेंडिंग फ्लीट टू द इंडियन नेवी एंड विल आल्सो सपोर्ट टू द फ्यूचर ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज ऑफ द नेवी डिप्लॉयड इन द ट्रांसपोर्टेशन दीपक को केवल ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई के लिए ही इसको रखा गया था ठीक अब मिलिट्री एक्सरसाइज और कौन कौन सी है जापान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जापान के साथ कौन कौन से हैं एक तो धर्म गार्जियन है और एक है सिन्यू मैत्री तो और एक मालाबार एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज चार लोगों तीन लोगों का है ठीक है इधर जापान इधर इंडिया और इधर यूएसए ठीक तो ये कैसी थी मैरी टाइम थी जी मैक्स मैरी टाइम है धर्म गार्जियन ये मिलिट्री की है मिलिट्री की है और एयर एयरफोर्स है ये चीज भी लिखना होगा तो आप लोग कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा ठीक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये नेशनल नेशनल इंटीजे इंटेलिजेंस ग्रेड है ना ये तो कई बार बता चुका है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इस समय आप लोगों के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ठीक एंड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका ऑफिस किसके साथ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ है इस ग्रिड है एक नाम है, पता चल रहा है ग्रिड है तो उसमें क्या बता है? नाम से सब कुछ पता चल रहा है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेशनल मतलब राष्ट्रीय इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो मैटर होंगे ग्रिड मतलब बांधना जोड़ना एक दूसरे से ठीक तो इज एन इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड विच कनेक्ट डेटा बेस ऑफ द कोर सिक्योरिटी एजेंसीज किसको कनेक्ट कर रहा है ये किसके लिए पहले तो डाटा बेस के लिए और किसको कोर सिक्योरिटी एजेंसी सी बी आई आई एन ए और जो आई बी रॉ इन सब के डाटास को आपस में ये कनेक्ट करेगा ठीक हाँ काजिन भी जापान के साथ है सही है बालक ठीक असिस्टेंट असिस्ट इंटेलिजेंस एंड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन द इंश्योरिंग नेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी विद द अल्टीमेट एम टू काउंटर टेरर विल बी अवेलेबल फॉर द वेरियस सेंट्रल एजेंसीज ऑन द केस टू केस बेसिस इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो आई बी रॉ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ठीक है बता चुके हैं आपको ये सब फिर आते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के आता है अंतर्गत ये 1986 में बना था ये 1986 में बना था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बच्चों टू फंक्शन एज द रिपोजिटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स टू असिस्ट द दिनिगेशन इन द लिंकिंग क्राइम टू द प्रिपरेटर्स एक ये याद रखिए ये इम्प्लीमेंटिंग सी सी टी एन एस प्रोजेक्ट है ना इतनी बात समझ में आई आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है नेक्स्ट हम लोगों का डब्ल्यू डी आ गया हाँ इस तो साला पीपीटी हम क्यों नहीं कर रहे थे फिर उनको कहां चला गया यार

Ooh. बच्चों हम लोगों का आई आर वाला जो पोर्शन था इंटरनेशनल रिलेशनशिप और सिक्योरिटी का दोनों पोर्शन समाप्त हो गया है अब हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं इकोनॉमिक्स में ज्यादा चीजें आप लोगों के काम की नहीं रहेंगी तो जो काम की चीजें हैं केवल उन्हीं पे फोकस करिएगा और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम लोग ठीक अरे क्या हो जा रहा है यार एग्रीटा देखते हैं ठीक एग्रीटा इज एन ई मार्केट एग्रीकल्चर एग्रीटा में एग्री देखना है टेक्नोलॉजी देखना है ठीक है आप लोगों को इसे यहां पर ध्यान देना है आप लोगों को टेक्नोलॉजी पे इज एंड ई मार्केट एग्रीकल्चर कम्यूडिटी ई मार्केट एग्रीकल्चर कम्युनिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च बाई द यू ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए इसको याद रखिएगा ठीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये यू ए के द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये यू ए गोवर्मेंट द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों ठीक टू ब्रिज द गैप बिटवीन द इंडियन ये ना भी याद रखो तो काम चल जाएगा इंडियन रूरल फार्मर्स एंड द यू फूड इंडस्ट्री यू फूड इंडस्ट्री बस इतना याद रखिएगा बच्चों एग्रिटा जो है वो ई मार्केट एग्रीकल्चर कम्योडिटी प्लेटफॉर्म है ई मार्केट एग्रीकल्चर कम्योडिटी प्लेटफॉर्म है ई मार्केट एग्रीकल्चर कम्योडिटी प्लेटफॉर्म है और ये याद रखिएगा ये किसका है ये यू ए ई का है ठीक ये यू ए ई फूड इंडस्ट्री का है यू ए ई फूड इंडस्ट्री का है यू ए ई फूड इंडस्ट्री का है ये याद रखिएगा ठीक बस इसमें एगरेटा किसका है तो ये याद रखिएगा दो रिपोर्ट हैं इसमें वो देख लेते हैं हम लोग एक ग्लोबल फूड क्या हो गया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ये ई आई यू का है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स याद रखिएगा ई आई यू का है इंडेक्स से थोड़ा याद रखिएगा आप लोग और ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो इफ्री की है इफ इफ्री इफ्री को बोलते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये देखिएगा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स पूछेगा तो ईयू का ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट पूछेगा तो इफ्री का है पॉलिसी रिपोर्ट किसका हो जाएगा इफ्री का हो जाएगा ठीक बच्चों फिर आते हैं हम लोग नेक, नेक्स्ट में ना? रोरो रो सर्विस देख लेते हैं क्या होता है रोरो रो सर्विस तो साउथ वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न है ना मतलब इधर इधर वाले रीजन में ठीक रोल ऑन रोल ऑफ मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ रोल रोल ऑन मतलब किसी चीज़ पे किसी सामान पे जैसे ये रेलवे है है ना और यहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं ठीक तो इनको इस पर रोल ऑन कर दिया गया ठीक और कुछ जगह मतलब जगह ए है ये और किसी प्लेस किसी जगह बी पे जाके इस ट्रेन ने क्या किया इस ट्रेन ने इन गाड़ियों को क्या कर दिया ये ये इन यहाँ से यहाँ गाड़ियों को रोल ऑन कर दिया गया फिर किसी जगह पे जाके किसी जगह बी पे जाके इन्हीं गाड़ियों को क्या करना पड़ेगा रोल ऑफ करना पड़ेगा रोल ऑफ करना पड़ेगा ठीक ये तो रोल ऑन एक बार रोल ऑन करना है एक बार रोल ऑफ करना है इसी को हम लोग बोलते हैं रो रो सर्विस क्या बोलेंगे रो रो सर्विस रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस तो ये बेसिकली सर्विस फॉर द वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न रेलवे ने स्टार्ट किया है रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस साउथ वेस्टर्न उसने स्टार्ट किया है रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस इज अ कॉन्सेट ऑफ कैरिंग रोड व्हीकल्स लोडेड विथ वेरियस कम्युनिटी वेरियस कम्यूनिटी में जैसे मैंने कार का एग्जाम्पल लिया आप कार का भी ले सकते हो सब्जी का भी ले सकते हो एंड ओपन फ्लैट रेलवे वैगनस आर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ द रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट रोल और रेल ट्रांसपोर्ट बहुत सी ऐसी जगह है हमारे देश में जहाँ रोड नहीं पहुँच पाती केवल रेल जाती हैं या जा थोड़ा ईजी हो जाए इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए इसके लिए रोड सर्विस का हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों ठीक एंड दे ऑफर डोर टू डोर सर्विस विथ मिनिमम हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट मैंने बोला था मिनिमम हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगा डायरेक्ट रेलिंग फर्स्ट एवर डी आर डी ओ सर्विस ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे फ्रॉम द कहाँ से कहाँ है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो बेंगलुरु से लेके सोलापुर सोलापुर कहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में ठीक तो ये याद रखिएगा बेंगलुरु से लेके बेंगलुरु से लेकर सोलापुर बेंगलुरु से लेके सोलापुर में बेंगलुरु से लेके महाराष्ट्र तक ठीक यानी कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र तक ठीक कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र तक का ये स्टार्ट किया गया है और बेंगलुरु में कहां से नेला मंगला से लेके नेला मंगला से लेके बाले तक नेला मंगला से लेके बाले तक इसको स्टार्ट किया गया है ठीक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पीएम किसान संपदा योजना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों एक्चुअली में ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये याद रखिएगा दो प्रकार के स्कीम होती हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है एक सेंट्रल इस्पॉन्सर्ड स्कीम होती है सेंट्रल इस्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ये याद रखिएगा जो इस्पॉन्सर्ड स्कीम होगी वहाँ पर रेशियो होगा है ना आजकल जो चल रहा है वो मैक्सिमम साठ और चालीस परसेंट का रेशियो है साठ सेंटर देती है और स्टेट चालीस परसेंट तो इसे सेंटर स्पॉन्सर्ड कहेंगे जो सेंटर सेक्टरली होता है वो हंड्रेड परसेंट सेंटर प्रोवाइड करती है उसको हंड्रेड परसेंट सेंटर देती है ठीक एम टू क्रिएटिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद सफिशेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम गेट टू तो रिटेल आउटलेट मतलब गेट टू रिटेल आउटलेट मतलब तो गेट टू कहाँ से मतलब जैसे कोई इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री के गेट है और यहाँ पर रिटेल हैं दुकानदार लोग हैं है ना तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड रूप में जो चलेगा वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाएगा इंप्लीमेंटेटेड बाय द ये याद रखिएगा एफ पी आई द्वारा चलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसके सात कंपोनेंट है इसके सेवन कंपोनेंट होते हैं बच्चों है ना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के पहला है मेगा फूड पार्क यहाँ मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इस्टेब्लिश किया जाएगा है ना, ना? वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वैल्यूएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज होगा क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज होगा है ना फूड प्रोसेसिंग और प्रेसर प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़ बनाए जाएंगे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन ये सात कंपोनेंट हैं इस स्कीम के याद करने की कोई जरूरत नहीं थोड़ा बहुत देखे रहिएगा कुछ भी इससे लिंक पूछेगा तो आप बता ले जाएंगे एक बार अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो ठीक बलक ग्लोबल इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है तो ये वीपो जारी करता है किसके साथ मिलके कार्नेल और इनसेड बिजनेस स्कूल के साथ मिलके के, के? तो पूछा जा सकता है इंडेक्सेस इंडेक्सेस की एक लिस्ट एक साथ आप लोगों को एक दिन दे दी जाएगी ग्रुप पे वो अपना याद ही करना है उसमें कुछ बताने वाला कुछ याद करवाने वाली कोई चीज़ होती नहीं है उसको आप बैठ के देख लीजिएगा गोत्रो हो लीजिएगा आ गया तो अच्छी बात है नहीं आया तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है ठीक देख लेते हैं ये याद रखिएगा निधि निधि में भी ये इंपॉर्टेंट है लास्ट के आई आई में इनोवेशन इनोवेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम होगी वहां पर निधि को मत भूलिएगा ठीक निधि का फॉर्म क्या होगा नेशनल इन, इनिशिएटिव फॉर द डेवलपिंग एंड द हार्नेसिंग इनोवेशन प्रोग्राम नेशनल इनिशिव फॉर द डेवलपिंग एंड द हॉर्सिंग इनोवेशन प्रोग्राम निधि बोलते हैं निधि का ही एक कंपोनेंट कौन है इन रेजिडेंस प्रोग्राम बस इतना ही याद रखना है ये इनोवेशन से रिलेटेड है ये याद रखिएगा बस ठीक और तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन स्कीम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना है मतलब भेजने के लिए तो ये याद मत रखिए ये स्कीम आप लगभग समाप्त होगी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है न्यूज़ में थोड़ा डाल दिया जाए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये याद रख लीजिएगा बी रैप बी रैप बोलेंगे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान किसने स्टार्ट किया है डीपीआईटी डीपीआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मौसी के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है बच्चों ठीक किस मंथ का करंट अफेयर है तो ये बच्चों सितंबर महीने का करंट अफेयर कई बात बता चुका हूँ ठीक डी पी आई आई टी इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कंडेक्ट फॉर द एक्सरसाइज फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन ट्रेड अंडर द बी रैप मतलब बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने के लिए ठीक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर स्टेट के सुधारने के लिए बी चलाया गया था बी रैप प्रोग्राम बच्चों बस इतना बेसिकली आप लोगों को याद रखना है ठीक स्टार्टअप इंटरप्रनशिप प्रोग्राम ये याद रखिएगा ये प्रोग्राम किसका सब प्रोग्राम स्टार्ट के, के किया गया था कौन सा एफ आई आर याद करते हैं वैसे ई आई आर याद कर लो ठीक रेजिडेंस इंटरप्रोनरशिप इन रेजिडेंस ठीक थी? थी? फिर स्टार्टअप यूपी विलेज इंटरप्रिप प्रोग्राम में यह याद रखिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत यूपी विलेज इंटरप्रिप स्टार्टअप यूपी स्टार्टअप विलेज इंटरप्रनशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ठीक इसमें क्या होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ ये याद कर लीजिएगा किस मिनिस्ट्री में आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आएगा ठीक इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्पिंग रूरल हैल्ड इंक्लूडिंग वोमेंट ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए इसका क्या है हेल्पिंग हाउस होल्ड इंक्लूडिंग वोमेंट टू सेटअप इंटरप्रशिप प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विथ फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल वाइज क्रिएटिंग लोकल कम्युनिटी कैडर फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरप्रेनरशिप प्रमोट बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरप्रेनशिप काम की चीज नहीं, नहीं रखिएगा कि ये अगर पूछेगा कभी आपसे कि स्टार्टअप प्रो, इंटरप्रोनरशिप प्रोग्राम वहाँ इंटरप्रोरशिप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम था निधि के था निधि के अंतर्गत था यहाँ इस्टार्टअप स्टार्टअप इस विलेज इंटरप्रोनरशिप पूछेगा तो ये एन आर एल एम डेन मतलब दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत स्टार्ट किया था किसके अंतर्गत आता है किस मिनिस्ट्री में आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है इतना याद रखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक प्रकार का ये म्यूचुअल फंड होता है ट्रस्ट क्या है एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है विच इनेबल इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैन ये म्यूचुअल फंड पता है ना म्यूचुअल फंड fund ऐसे फंड्स होते हैं जो छोटे 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 फंड इकट्ठा कर लिए जाते हैं सबसे फिर इनको अलग अलग कंपनी में लगाया जाता है अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है ए बी सी ना, तो जो भी प्रॉफिट होता है कहीं लॉस होगा कहीं प्रॉफिट होगा कुल मिला के जो भी आएगा वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही रहता है इसे ही कहते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड ठीक तो इज अ लाइक ऑफ म्यूचुअल फंड विच इनेबल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट फॉर मनी एंड पॉसिबल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बस इसमें इतना ही याद रखना है पावर क्या होता है फॉर्म इंडेक्स ईज क्या होता है ईज ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टार्ट किया है इसको ईज मतलब होता है ईज मतलब क्या होता है ये देख लीजिएगा इनहस इन्हेंस असेस सर्विस एक्सीलेंस मतलब बिजनेस में एक्सीलेंट सर्विस असेस करने के लिए जो स्कीम चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा उसे क्या बोलेंगे बिज़नेस रिफॉर्म ठीक नेशनल बंबू मिशन देख लेते हैं बच्चों ठीक नेशनल बम्बू मिशन देख लेते हैं एम, इसका एम क्या है To connect farmers to markets so as to enable farmer producer to get a ready market for the bamboo grown and to increase the supply of appropriate raw material to the domestic industries. ये कब लॉन्च की गई थी नेशनल बंबू मिशन? ये यार कि ये पहली बार तो ये लॉन्च किया गया था 2018-19 में। इसका एम क्या है? इसका एम क्या है? To connect farmers to market so as to enable farmer producers. टू गेट अ रेडी मार्केट फॉर द बंबू ग्रोन एंड टू इंक्रीज द सप्लाई ये याद करिएगा सप्लाई के लिए था है नियल टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज द स्किल सेक्टर कौन से इस्टेब्लिश अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एन एस डी ए विल इम्पार्ट स्किल एंड रेव प्रन ये सब आपके कहा चीज नहीं है राष्ट्रीय गोकुल मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने स्टार्ट किया था ये इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट काम आप लोगों के लिए है नहीं ये याद रखिएगा जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है बच्चों राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये हंड्रेड परसेंट इम्प्लीमेंटेड ऑन हंड्रेड परसेंट ग्रांट इन एड बेसिस एंड थ्रू आउट टू द कंट्री ठीक थ्रू आउट द कंट्री इसके लिए स्टार्ट किया गया था बेसिकली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसमें एक चीज आप लोगों को याद रखनी है इनहेंस फिनिश प्रोडक्शन बाई एंड एडिशनल सत्तर लाख टन अभी सत्तर लाख टन हो रहा है इंक्रीज फिशनरी एक्सपोर्ट इसको सत्तर लाख एक्स्ट्रा जितना हो रहा है उसे सत्तर लाख सेवेंटी लाख टन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है और जो इंक्रीज फिशरी एक्सपोर्ट अर्निंग टू एक लाख करोड़ का फीसरी अर्निंग इंक्रीज करनी है बाई चौबीस पच्चीस ये डाटा इंपॉर्टेंट है इस स्कीम में तो इसको याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चों ठीक ये इनहेंस फिश प्रोडक्शन बाई एन एडिशनल सेवेंटी लाख टन एंड इंक्रीज फिशरीज एक्सपोर्ट्स अर्निंग टू वन लाख करोड़ बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव स्कीम स्कीम हैज़ टू कंपोनेंट इसके टू कंपोनेंट्स होंगे टू कंपोनेंट्स होंगे इसके एक होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा एडॉप्ट क्लस्टर थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस फोकस स्पेशली ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज सच एज सी वीड एंड ऑर्नामेंटल फिश कल्टिवेशन इन सब चीजों के लिए इसको इंपॉर्टेंट बस आप लोग इसको ये चीज याद रखिएगा बच्चों की बस इसको ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इसमें सत्तर लाख टन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है सत्तर लाख टन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है और एक लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट के थ्रू अर्निंग करनी है कब तक करनी है हमें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तक ये चीज़ याद रखिएगा इस स्कीम में फाइव स्टार विलेज स्कीम इसका एम क्या है कि एम्स टू इंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ द फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम इन द रूरल एरियाज मेन चीज़ क्या है कि जो जितना कवरेज है फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम की रूरल एर में उसको यूनिवर्स करना है सी टू ब्रिज द गैप इन पब्लिक अवेयरनेस एंड रीज द पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इस्पेली इन इंटीरियर विलेज आल पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल बी मेड अवेलेबल एन मार्केट एंड पब्लाइज एज विज लेवल ब्रांच ऑफिस ब्रांच ऑफिस विल फंक्शन एज वन स्टॉप शॉप टू का्टर आल पोस्ट ऑफिस रिलेटेड नीड ऑफ विलेज विलेजर्स इम्प्लीमेंटेड बाई अ टीम ऑफ फाइव ग्रामीण हु मतलब जितने भी ये याद रखिएगा एक तो ये फाइव स्टार विलेज फाइव स्टार विलेज स्कीम जो होगी वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्ट कर रही है पहले तो ये याद रखिए कौन स्टार्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्ट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्ट कर रही है दूसरा ये याद रखना है कि जितने प्रकार के इसमें फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं पोस्ट से रिलेटेड इन रूरल पोस्टल स्कीम जितनी भी हैं इन रूरल एरियाज उनका यूनिवर्सल कवरेज किया जाएगा उनका यूनिवर्सल कवरेज किया जाएगा ठीक इतनी बात समझ में आई स्कीम से रिलेटेड चार दो क्या होते हैं इसको देख लेते हैं एम्स टू प्रोवाइड एन एफोर्डेबल डिस्प्यूट रेडिशल फॉर ऑल मैकेजम्स ऑफ ऑफ़ द मेरीटाइम सेक्टर विद द पैनल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट एस आर्बिटर्स ठीक जितने भी पोर्ट्स मेरी सेक्टर से रिलेटेड इशूज होंगे उनके लिए एक आर्बिटेटर इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 सिक्सटी कंसिस्ट मेम्बर फ्राम द इंडियन पोर्ट एसोसिएशन एंड इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल एसोसिएशन एंड असिस्ट इन दस्टेब्लिशमेंट द डिस्प्यूट थ्रू द आर्बिट्रेशन इन द मेरी टाइम सेक्टर इंक्लूडिंग पोर्ट्स एंड द शिपिंग सेक्टर इन मेजर पोर्ट ट्रस्ट नॉन मेजर पोर्ट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट पोर्ट्स टर्मिनल एंड हार्बर स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग ट्वेंटी नाइनटीन देख लेते हैं ये बेसिकली ये भी डी करती है स्टार्टअप स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग ट्वेंटी ट्वेंटी ने डी करेगी ठीक टू फोस्टर कंपिटेटिवनेस एंड प्रॉपर स्टेट इतना ही याद रखिएगा बेस्ट परफॉर्मेंस किसको मिला है अंडमान निकोबार और इधर ये यूटी में हो जाएगा और ये स्टेट में हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है बाय द फ्रेसर फ्रेसर इंस्टीट्यूट इन कनाडा भाई इतना याद रखना बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो में इंडिया की रैंक 105 है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है 105 है फ्रेशर इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है राजीव महर्षि पैनल ये याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा है ना ये इम्पोर्टेंट कह सकते हैं राजीव महर्षि पैनल इट विल मेजर द इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑन इंटरेस्ट एंड कोविड 19 रिलेटेड मोराटोरियम मोराटोरियम मतलब जो छूट दी जाती है छूट इन सेंस समय के रेस्पेक्ट में दी जाती है <coughs> जैसे आपको ई भरना है भरना था अप्रैल और मई में जो मार्च अप्रैल मई में तो वो तीन महीने के लिए आपको मोराटोरियम दे दिया जाएगा ऐसा नहीं कि आपको भरना नहीं है बस ये है कि वो जो ईएमआई होगा वो आपको तीन महीने एक्सटेंड मान लीजिए नेक्स्ट जनवरी तक ईएमआई भरना था तो आपको वो एक्सटेंड करके फरवरी मार्च अप्रैल कर दिया जाएगा ये बात समझ में आई इसे मोराटोरियम बोलते हैं इसे लोन वेव ऑफ नहीं बोलेंगे हाँ ये है कि ये एक्सटेंड कर देगा तीन महीने का टाइम पीरियड है जितने महीने का वो इशू रहेगा मोराटोरियम रहेगा तो उससे जो मोराटोरियम का जो इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर उसका जो मेजर होगा उसको मेजर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है उसको बोलते हैं राजीव महर्षि पैनल राजीव महर्षि पैनल इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट बेस प्रोजेक्ट ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देख लेना कौन करेगा तो आईआईटी मद्रास कर रहा है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन बैंक ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन नोन एज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मीडिएशन इन एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ मीडिएटर सेटलमेंट एडॉप्टेड इनबर टू थाउंडटर ये बस इसमें इसमें ये देख लीजिएगा अभी रिसेंट में कौन ऐड हुआ है तो इक्वाडोर ऐड हुआ है बच्चों इक्वाडोर कहाँ की कंट्री है या साउथ अमेरिका की कंट्री है ये याद रखिएगा और दूसरी मेन चीज़ इसमें यह याद रखिएगा बच्चों दूसरी मेन चीज़ इसमें ये याद रखिएगा कि बेसिकली मीडिएशन होता क्या है तो मीडिएशन होता है दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक देशों के बीच अगर किसी प्रकार का आउट ऑफ सेटलमेंट करना होता है आउट ऑफ दैट कंट्रीज़ इस कार्ड मीडिएशन ठीक तो मीडिएशन क्या हो गया एक प्रकार का सेटलमेंट होता है आउट ऑफ बोथ कंट्रीज है ना जितने भी उसके पार्टीज होंगे उनसे बाहर जो भी सेटलमेंट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा हम लोगों का मीडिएशन कहलाएगा ठीक वो तो हम लोगों का बच्चों मीडिएशन कहलाएगा ठीक फॉरन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटर एक्ट एफ आर ए जिसे बोलते हैं एप्लीकेबल टू ऑल एसोसिएशन ग्रुप एंड एनजीओं टू रिसीव दोनेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ देते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये देख लेते हैं बच्चों जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक निकालता है ये याद रखो इंडिया की रैंक याद कर लेना इंडिया की रैंक इसमें कितनी है सोलह है कितनी है बच्चों एक है ठीक बायोटेक किसान प्रोग्राम फोकस ऑन द टेकिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स तो नाम ही से समझ में आ रहा है बायोटेक किसान इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बायोटेक किसान प्रोग्राम आएगा तो खुद ही आप दिमाग लगा ले जाओगे कॉमन की किसान से रिलेटेड एक स्कीम है जो कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा बायोटेक्नोलॉजी को ये प्रमोट करेगा ठीक ये पैन इंडिया प्रोग्राम होगा पैन इंडिया प्रोग्राम होगा और ये हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा हब एंड स्पोक क्या होता है एक हब होगा एक सेंटर होगा और ये स्पोक की तरह निकले रहेंगे ऐसे हब एंड स्पोक मॉडल कहेंगे एंड स्टमलेट्स इंटरप्रनियरशिप एंड इनोवेशन द फार्मर एंड एम्पावर द वमेन फार्मर यूनिफ्यूचर टू आइडेंटीफाइड एंड प्रमोट लोकल फार्मीडर्स इन बोथ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द लोकसभा ये भी इम्पोर्टेंट वो नहीं है ये देख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए है प्रमोट है टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर द इनहेंसिंग फॉर्मर मैकेशन विथ स्पेशल इंफेसाइज ऑन वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स एक्चुअली में ये हो रहा है एक चीज इश्यू बता दे रहा हूँ आजकल हमारे भारतीय जो समाज में एक चीज़ देखी जा रही है कि uh, 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 आ, महिलाओं का कृषि में भागीदारी ज्यादा हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अभी वो वर्ड नहीं याद आ रहा है पर्टिकुलर लेकिन इतना याद रखिए कि महिलाओं का कृषि में जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है अगर वो भागीदारी बढ़ रही लेकिन अगर वो मशीन जो इतने बड़े बड़े हैवी मशीन बनाए जाते हैं वो महिलाओं के लिए सूटेबल ही ना हो बच्चों वो महिलाओं के लिए सूटेबल ही नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर में अपना योगदान कैसे दे सकती हैं तो उसके लिए जो एक एक हैकोथन स्टार्ट किया हैथन मतलब एक कंपटीशन टाइप का इन्वामेंट होता है तो वो जो हैकोथन स्टार्ट किया गया है बच्चों वो जो हैथन स्टार्ट किया गया है उसको बोलते हैं कृतज्ञ हैथन ठीक कृतज्ञ हैथन तो इसमें बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है ठीक स्पेशली ये वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स को प्रमोट करने के लिए domestic, uh, insur है डोमेस्टिक डिसिप्स याद कर लो अच्छा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स है रेफर टू द इंश्योरेंस मार्केट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ वैसे आए आना नहीं चाहिए आपके एग्ज़ाम में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा कि ए, अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने रूल ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट निकाला है इसके तहत अभी रिसेंट में जब आपने देखा होगा किसी ने वो बिग बिलियन डेज निकाला था शायद अमेजान या फ्लिपकार्ट कुछ होता है वो फ्लिपकार्ट वालों ने शायद निकाला था बिग बिलियन डेज तो उसमें उन्होंने ओरिजिन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन नहीं डाला था रूल्स ऑफ ओरिजिन मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट जहाँ का हो तो उस पर उसका नाम होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इस कंट्री से आया हुआ है ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर इस कंट्री से आया हुआ है से ये बोलते हैं रूल ऑफ़ ओरिजिन जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ होगा वहाँ पर उसका नाम पढ़ना चाहिए उस प्रोडक्ट पे जब भी आप उसको ऑनलाइन सेल कर रहे होंगे ठीक इसे ये रूल ऑफ़ ओरिजिन बोला गया तभी रिसेंट पे इस पर केस हुआ इसलिए मैं सोच बता देता हूँ अब आ जाते हैं इन्वायरमेंट वाले पोर्शन पे बच्चों दो बहुत बड़े बड़े पोर्शन निपट गए हैं हम लोगों के इकोनॉमिक्स में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नहीं इसीलिए थोड़ा जल्दी में पढ़ा दिया है आई वाला पोर्सन इम्पोर्टेंट था वो हो गया है सिक्योरिटी वाला पोर्सन इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों का हो गया है और ये अब आते हैं इन्वायरमेंट वाले पोर्शन पे इन्वायरमेंट वाला पोर्शन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा हम लोग आ, डीप में देखेंगे आ, और उसको भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ठीक नहीं ठीक है हाँ कंटिन्यू अब आते हैं पहला टॉपिक हम लोगों का इन्वायरमेंट में रहेगा आ, मेथेन बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों मेथेन गैस कई जगह यूज़ होती है मेथेन गैस ना मेथेन गैस कई जगह यूज होती है आ, मेथेन गैस बेसिकली एक तो ये ग्रीन हाउस गैस है ये याद रखो ग्रीन हाउस गैस है ठीक देखते हैं क्या क्या पहले लिखा हुआ है मेथेन इज इमेटेड फ्रॉम ए रेंज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सोर्स लाइक ये एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित सोर्स होते हैं वहाँ से जो निकलते हैं ठीक लैंड uh, होते हैं एग्रीकल्चर होता है फोशिल फ्यूल होता है इसमें एज वेल एज नेचुरल सिस्टम से जो निकलते हैं नेचुरल सिस्टम से ये वेटलैंड से भी ये मेथेन बहुत निकलते हैं आप कहीं भी कूड़ा वूडा डालते हैं जब कूड़ा घर के पास से निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ से बदबू आ रही तो वो जो मेस्टली मोस्टली जो बदबू होती है वो मेथेन गैस की हो रही होती है बच्चों अच्छा। सकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है ये देखो मैंने बताई दिया है इसलिए मैं नहीं लिखने वाला था ये सकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कौन सा है सी है सी भी नहीं कह सकते हैं सॉरी फर्स्ट है अगर ग्रीन हाउस गैस है उसको कहेंगे वाटर वेपर जलवास पर बच्चों ठीक वाटर वेपर वाटर वेपर के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सेकेंड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट यही डालता है ठीक ग्रीन हाउस गैस दैट ह्यूमन आर कंट्रीब्यूटेड टू अनलाइक कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन हैज़ अ शॉर्ट लाइफ टाइम इन द एटमोसफेयर तो मेरी बात समझ रहे हो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट कौन करता है वो वाटर वेपर करता है लेकिन वो उसकी क्वांटिटी कम होती है इसलिए उसका इंपैक्ट कम होता है यूट्यूब पर क्यों ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एमिट कर रहे हैं हम लोग उसकी लाइफ एक्सपेंड भी ज़्यादा है अनलाइक कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन हैज़ अ शॉर्टर लाइफ टाइम इसका लाइफ टाइम भी कम है इसलिए ये हमारे लिए उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन खतरनाक तो वही है आज नहीं तो कल वो नुकसान तो करेगा ही तो उसको भी कम करना ज़रूरी है ठीक सर सर इंड करते हैं ठीक ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट अब ये चीज़ हम लोग कल देख लेंगे मेरी बच्चों की उपस्थिति भी ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा पाँच दस मिनट पहले ही इसको एंड कर दे रहे हैं ठीक है बच्चों जय हिंद